आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। एक बड़ी ही दुखद भरी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर से सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बता दे चलें कि कठुआ के बिलावर में चल रहे इनकाउंटर में एक पुलिस के हेड कांस्टेबल जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि एक ASI जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल इस समय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बताते चले कि कुछ ही देर पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में जो है वो आतंकवादियों की छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद एक सर्च ऑपरेशन जो है वो एक ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज व पुलिस की तरफ से मिलकर जो है वहां पर चलाया गया था, जो कि पुलिस स्टेशन बिलावर के अंदर एक एरिया पड़ता है गाँव कोग मंडली। यहाँ पर जो है वो आतंकवादियों के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ था, जिसके बाद दोनों तरफों से गोलाबारी वहां पर देखने को मिल रही थी और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहिस्त्रे में लेकर तलाशी अभियान शुरू किया था। लेकिन बड़ा ही दुखद रहा है कि अभी अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि इस कठुआ के बिलावर के अंदर जो कोग मंडली गाँव है, यहाँ पर जो है वो चल रहे इनकाउंटर में पुलिस के एक जो ये कहें कि इसमें हेड कांस्टेबल हैं बशीर अहमद जी, वो इसमें शहीद हो चुके हैं और एक ASI के साथ साथ वो भी इसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो काफ़ी दुखद रहता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। लगातार जम्मू कश्मीर के कुलगाम की बात करें तो वहां पर भी सुबह से चल रहे इनकाउंटर में हमारे 3 आर्मी के जवान और एक पुलिस का अफसर वहां पर उसमें घायल हुए थे। लेकिन आपको बताते चलें कि कठुआ के बिलावर के अंदर जो कोग मंडली गाँव है वहाँ पर जो इनकाउंटर शुरू हुआ था उसमें पुलिस के एक हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो चुके हैं और ASI घायल हुए हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा अपडेट एक बार फिर से आपको बताते चलें कि इसमें एक DYSP जो ऑपरेशन है उन्हें भी जो है वो गंभीर चोटें आई हैं। ये समय का सबसे बड़ा अपडेट है जो कि आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी का जो ADGP जम्मू द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि DYSP ऑपरेशन भी इस पूरे इनकाउंटर में घायल हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात इस समय कठुआ के बिलावर जो पुलिस स्टेशन के अंदर एक गांव पड़ता है वहां पर जो है वो इस समय वहां पर बने हुए हैं। आप सब लोगों से कहेंगे कि घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर अपना भरोसा बनाए रखें, और अगर आपको कोई भी व्यक्ति अगर सस्पेक्ट लगता है तो आप इस बारे में पुलिस को जरूर जानकारी दें, ताकि समय रहते उसके बारे में पता चल सके और कोई बड़ा ही अनहोनी घटना जो है वहां पर ना देखने को मिले। तो शहीद बशीर अहमद जी जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल हैं, उनकी भी ये कहें कि आत्मा की शांति के लिए दुआ करें, और इसी के साथ साथ DYSP ऑपरेशन और ASI जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं उनकी भी लंबी उम्र की दुआ जरूर कीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून, जय हिंद भारत।